मयंक को मैं चाहूँगी कि बहुत जल्दी ठीक हो जाए बेचारा। एक तो पहले हेयर कट करने के लिए आ रहा नहीं था, और जब आया तो ऑफकोर्स अभी ये बहुत क्यूट लग रहा था, तो थोड़ी बहुत तो नज़र लग गई। क्या दोस्तों, आप मानते हो नज़र होती है कि नहीं होती है या नहीं होती है? ये मयंक का मानना है कि नज़र होती है। होती है, मेरे को भी लगी थी 3 दिन पहले। अब 3 दिन बाद देखो कैसा भला लगा नाच रहा हूँ। हट तुझ मनहूस को क्या नज़र लगेगी ना, नॉनसेंस, तेरे को तो नज़र ही दौड़ के आ जाएगी। देख क्या है, एक देखा मैं इसका व्लॉग बना रही हूँ, व्लॉग। अच्छा तो क्या, तो ये भी आ गया, ये देख दूसरा आ गया, इसके भी गाना गाने की कमी रहेगी। ये तो मयंक आज बैटिंग करने उतरा और उतरते ही डाउन, यो उतरते ही। एनीवे अभी थोड़ा सा गर्म तो है लेकिन ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो फीवर होना चाहिए। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस आज हम आए हैं मयंक को लेके सलून में। मयंक मेरा नेफ्यू, उसके बाल बहुत घने थे तो मैंने कहा कि उसको इंसान बनाते हैं। उसका 2 दिन के बाद में बर्थडे है 21 सितंबर को, तो मैंने कहा उसका एक लुक ही चेंज कर देते हैं। सो है गाइस, अभी फ़ोन किया है तो उन्होंने बोला है कि अभी मयंक का हेयर कट हो गया और वो थोड़ा सेटिंग करके आ रहा है, तो अभी देखते हैं। आपको मयंक की बिफोर एंड आफ्टर फोटो भेजूंगी। बिफोर तो वो 2 साल से बाल नहीं काटे थे, ऐसा दानव लग रहा था, जैसे लग रहा था हिम मानव आए, हिम मानव। और अब देखते हैं, मैंने एक हेयर स्टाइल दिया था तो वो बोला जैसे बुआ हेयर स्टाइल बोलेगी वैसा करेंगे, तो कभी कभी थोड़ी रिस्पेक्ट करते हैं बच्चे मेरी, तो अभी देखते हैं हेयर स्टाइल कैसा लगता है। तो मैं अभी आपको वो दरवाजे के पास ले चलती हूँ। अरे बाप रे, पूरा क्या करने गया था तू? सेट कर, बोला कि सेट तो किया ही नहीं बाल, तेरे को बोला? हाँ, तो बोला सेट करके, सेट कर दो जल्दी से। अरे वाह, बहुत ही क्यूट लग रहा है। तो गाइस ये आ गया मेरा मयंक सन्याल, पहचान में नहीं आ रहा। अच्छे बाल काटे, ऐसे ही बाल काटे, देख जरा यार, हीरो को दो यार। हाँ हीरो को ले ले, वीडियो गाइस कैसा लग रहा हूँ बताओ। अमेजिंग। और ये देखो ये खरगोश हमारा, खरगोश के कान कांच में आ गए थे। हाँ इसका कांच में आ गया, मैंने तो इन्होंने बताया। तो मेरे नेफ्यू तो अभी काफी अच्छा लग रहा है, दाढ़ी वाड़ी कट के। कितने साल से बाल नहीं काटे थे? एक साल तो हो गया, एक डेढ़ साल से काटे थे, आदि मानव थे। शादी से पहले काटे थे, तो ये हिम मानव से ये वाली गाड़ी का ये सुनी, मयंक कान मानव बन गया। ठीक है, तो ये है वो मयंक सन्याल, अब लग रहा है तू आदमी, वेरी गुड। गुड गाइस, ये क्या है, सॉक्स लाया है रोमन। वाओ क्या मस्त है, पर मुझे नहीं लगता इसको ये सॉक्स आएगी, आ जाएगी नहीं आएगी, फिर भी देखते हैं। लकी को सॉक्स पहना के उसका रिएक्शन देखते हैं। लकी सॉक्स पहनेगा बेटा, क्योंकि ना इसके काफ में ना बहुत खुरदुरे हो गए हैं, मैं सोचती हूँ कि अभी सॉक्स पहन ही लें, देखते हैं इसका रिएक्शन कैसे है। बाबू अभी शाइन आ रही है इसके बाल में। लकी सॉक्स पहनना, इतना सा कैसे आएगा उसके नाखून को, खून बंद हो जाएगा। नहीं आएगा इसका पाँव, देख क्या यार, तू किसकी तो लाया है सॉक्स, कितने की लाया है? उसको बोलता तो सही कि जर्मन शेपर्ड की सॉक्स है, उसका पाँव देख कितना बड़ा है और सॉक्स देख, डर गया बेचारा। बाबू क्या है ये, लकी रुक ना बेटा,
रुक बाबू, गुड बॉय ना, गुड बॉय। नहीं आएंगे, इसका खून बंद हो जाएगा, पागल है क्या? टिया लोगों को आएंगे, टिया। हाँ, इसको हमारे शौक से, इसका पाँव देख, मेरे पाँव जितना इसका पाँव है। सो गाइस, ये तो फ्लॉप हो गया। रोमन पता नहीं कहाँ बच्चों की सॉक्स लेके आया। देख, उसको रिटर्न कर सकते हैं क्या? नहीं ना, पूछ लूंगा ना जाके। नहीं बोल के हमको इसकी जगह पे जर्मन शेपर्ड का बड़ा पाँव है, इसका बड़ी सॉक्स दो। तो ये तो फ्लॉप हो गया हमारा आइडिया लकी को सॉक्स बनाने का। इसके पाँव तो मेरे पाँव जितने हैं। देखिए पाँव दिखा, मैच कर, मैच मैच। और ये पिद्दी सी सॉक्स टिया लोगों को आ सकती है, पर टिया के तो नाखून बड़ी सॉक्स लेना। लेकिन खाना खा लिया तो सॉक्स तो हो गया। फिर तो वे हम मयंक को लेके गए थे हेयर कट करने के लिए, बाल तो ठीक कर। और इसको तो लगता है बहुत बुरी नज़र लगी है अभी, इसको काफ़ी ज़्यादा फीवर है। फीवर 100 तक फीवर आ गया, उससे भी ज़्यादा। बेचारे को थोड़ा सा फीवर हो गया, पर अभी बोल रहा है ठीक हो गया। सुबह दोपहर को काफ़ी गर्म हो गया था, शायद काफ़ी टाइम के बाद बाहर निकला ना, बाहर से निकला ना, बहुत दिन के बाद तगड़ा हो गया, सीन हो गया है ना। तो शायद उसको काफ़ी सनलाइट बेयर नहीं हुई तो उसको शायद फीवर हो गया। पर अभी कैसा फील हो रहा है? अभी अच्छा है, थोड़ा मतलब है गर्म, बट चलेगा, ठीक हो जाएगा ना, हो जाएगा बर्थडे तक, ठीक खड़ा हो जाएगा ना। तो दो दिन के बाद इसका बर्थडे है साहबजादे का, तो बस आराम से चिल करने का। सो मयंक को मैं चाहूँगी कि बहुत जल्दी ठीक हो जाए बेचारा। एक तो पहले हेयर कट करने के लिए आ रहा नहीं था, और जब आया तो ऑफकोर्स अभी ये बहुत क्यूट लग रहा था, तो थोड़ी बहुत तो नज़र लग गई। क्या दोस्तों, आप मानते हो नज़र होती है कि नहीं, होती है या नहीं होती है? ये मयंक का मानना है कि नज़र होती है। होती है, मेरे को भी लगी थी 3 दिन पहले। अब 3 दिन बाद देखो कैसा भला लगा नजर आ रहा हूँ। हट, तुझ मनुज को क्या नज़र लगेगी ना, नॉनसेंस, तेरे को तो नज़र ही दौड़ के आ जाएगी। देख क्या है, एक निगाह, मैं व्लॉग बना रही हूँ, व्लॉग। अच्छा, तो क्या, तो ये भी आ गया, ये देख दूसरा आ गया, इसके भी गाना गाने की कमी रहेगी। ये तो मैं आज बैटिंग करने उतरा और उतरते ही विकेट डाउन, यो एनीवे अभी थोड़ा सा गर्म तो है लेकिन ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो फीवर होना चाहिए। देखो यहाँ से कि ना, ये उधर से देखो आगे, इधर ही चलते हैं, स्टेशन ही चलते। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और काफ़ी सनी है, तो काफ़ी सनी है आज, धूप निकली है, तो आज थोड़े अच्छे से कपड़े धो दूंगी मैं। काफ़ी टाइम से कपड़े धुल तो रहे हैं लेकिन सूख नहीं रहे हैं। बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना कि कोई टेडी बेयर उल्टा होके सोया है ना, और ये टेडी बेयर की माँ उसको गोद में लेके बैठी है और ऐसे मस्ती के मूड में। मुझे ऐसे बादल देखना बड़े अच्छे लगते हैं, दिख रहा है ना ऐसे कि ऐसा, अभी तो नहीं। अरे देखो, ये देखो, ये रहा टेडी बेयर और ये छोटा सा टेडी बेयर आगे, दोनों ऐसे झूलते हुए जा रहे हैं। एनीवे, तो ये था, मुझे अपडेट करना था कि अभी टिट्टू थोड़ा, सब लोग फ़ोन कर रहे हैं, और टिट्टू आज कल रात को तो बहुत तेज़ बुखार था,
अभी कैसा फील कर रहा है? ठीक है बट गर्म है बॉडी। ये होता है जब तुम पूरा दिन घर पे बैठ के गेम खेलते रहते हो और बाहर जाते हो तो नहीं। सबको मैं बोलती हूँ बाहर जाते, ये होता है फ्रेंड्स कि बाहर बच्चों को थोड़ा सा अपने, अभी आप लोग के बड़े बड़े बच्चे हैं आपके पास, तो जो तो बच्चे बाहर स्पोर्ट्स खेलते हो तो ठीक है, नहीं तो ये इसके जैसे हो जाएंगे गोल गप्पे, और जरा सा धूप दिया नहीं तो इतने बड़े बड़े गद्दे लेके देखो कैसे लेट गए महाराज। एनीवे कल रात को डरा दिया था तूने, पर आज तू ठीक लग रहा है, तो 2 बजे इसका बुखार उतरा है। और ये है दूसरे जो ब्रश नहीं करते, कभी दांत का दर्द लेके बैठे। कैसा है दर्द? आज दांत निकालना पड़ेगा। देखो मेरे घर में कल 2-2 पेशेंट थे तो मेरी हालत क्या। सो मैं कभी पहले से अच्छा लग रहा है, तो कैसा है बेटा फीवर? थोड़ा है बट अच्छा है पहले से। ठीक है तो मतलब रिकवर हो रहा है तो दोस्त। हाँ तो दोस्तों दिख रहा है कि मैं कभी रिकवर कर रहा है, तो आधे से ज़्यादा टेंशन खत्म हो गई, क्योंकि आजकल तो फीवर आया तो ऐसे ही डर लगता है। बट ठीक है ना, खाना वाना खा रहा है तो इज़ बेटर। सो इसी के साथ ये ब्लॉग को हम यहीं पे दी एंड करते हैं, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चिल करें।